provided that not withstand the expiry of his term, a member shall continue to function. वो member काम करना शुरू कर देते हैं until his successor assumes office. यहाँ तक कि उसके बाद के आने वाले लोग जो हैं वो उसके ऑफिस को हैंडल कर लेते हैं. वो कहता है कि अगर उसका एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म आ गई है और न्यू अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, तो वो तब तक ऑफिस को नहीं छोड़कर जाएगा जब तक कि न्यू अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती और नए लोग अपनी जगह उसकी जगह पर आकर बैठ नहीं जाते. ठीक है, तब तक वो उस ओहदे को संभालेगा. ठीक है, चाहे एक दो मंथ उसे एक्स्ट्रा देने पड़े, लेकिन वो तब तक उस ओहदे को संभालता रहेगा जब तक के न्यू ऑफिसर्स आकर उसकी जो है वो जगह को फुलफिल नहीं कर लेते. यानी कि वो जगह वेकेंट नहीं छोड़नी कभी भी, उसे एंड तक उसे लेकर चलना है और एंड से फिर नेक्स्ट जो सेशन चलेगा उसमें नया बंदा वहां अपॉइंट हो जाएगा, तो वो जगह वेकेंट नहीं रहेगी. अगर वो जगह वेकेंट हुई तो सारी प्रोसेसिंग जो भी सेंट्रल काउंसिल या प्रोविंशियल काउंसिल कर रही होती है वो वहीं पर ही रुक जाती है. Where the central government, as may be provincial government, upon recommendation of the majority of the members of the council, council के members उसको recommend करते हैं, is satisfied that the members of the council is negligent in the discharge of his duties or is the guilty of any unprofessional and dishonest conduct, otherwise not competent to perform the functions of the members, it may by notification in the official gazette remove such members and appoint upon the publication of such notification the seat of the members become vacant. वो कहते हैं कोई भी केस जिसके अंदर जो बंदा प्रोविंशियल काउंसिल का वर्कर है, प्रोविंशियल काउंसिल का मेंबर है, या वो पर्सन जो सेंट्रल काउंसिल का मेंबर है वो कोई बदतमीजी करता है, वो कोई डिसऑनेस्टी करता है, वो कोई अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता, वो डिसऑनेस्ट है अपनी वर्किंग के साथ, वर्किंग परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है, वो कंपिटेंट नहीं है, वो अपना काम नहीं कर पाता, वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रख रहा है, इस तरह का बंदा जो है वो किसी भी टाइम उसकी सीट से उसकी उसके अगेंस्ट वो देखते हैं कितनी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, उसके अगेंस्ट कितनी कंप्लेन आ चुकी हैं, उन कंप्लेन्स को देखते हुए काउंसिल ये फैसला लेती है कि उसको अपने उसको उसकी सीट से निकाल दिया जाता है. लेकिन ये चीज वो मेंशन करेगी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी कि इस तरह के पर्सन को हमने उसकी सीट से रिमूव कर. हाँ, इस केस में जब वो अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं करता 3 साल का, उसी दौरान वो अपना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाता है, डिसऑनेस्टी दिखाता है, ऑनरेबल नहीं है, ठीक है, कंपिटेंट नहीं है, प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, निग्लिजेंस है, निग्लिजेंट मतलब बेध्यानी में काम करता है, प्रॉपर वर्किंग नहीं करता. तो इस तरह का बंदा अगर वो अपने 3 साल के पीरियड के अंदर इस तरह की वर्किंग कर रहा है और उसके अगेंस्ट कंप्लेंस चली गई हैं, तो गवर्नमेंट जो काउंसिल है उसके खिलाफ एक्शन लेती है, तो उस केस में क्या होता है, वो 3 साल के अंदर अंदर वहां से हटा दिया जाता है. जैसे ही वो वहां से हटाया जाता है, उसकी जो जगह होती है वो खाली हो जाती है, इट बिकम वेकेंट. ठीक है, सो फिलिंग कैसे की जाती है इस तरह की कैजुअल वैकेंसी की. A casual vacancy in the office of the members shall be filled for the remainders of the term, such members not being less than 6 months, by nominate any other person in his place in such manners in which such a member was nominated. वो कहता है कि अगर ऐसा कोई केस हो गया है कि उस बंदे को अर्जेंट बेसिस पे निकालना पड़ गया है, वो डिसऑनरेबल है, वो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रखता है, वो गिल्टी है, वो निग्लिजेंट है, वो कंपिटेंट नहीं है, उससे वर्किंग नहीं प्रॉपर होती और वो उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ गया है अगर काउंसिल को, तो काउंसिल उसको वहां से निकाल देगी और उसकी जगह पर नया पर्सनल हायर कर लेगी. लेकिन उसको निकालने के बाद फौरन बाद वो जगह वेकेंट हो जाएगी, खाली हो जाएगी, क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पे लिया जाने वाला डिसीजन है, तो वो जो जगह वेकेंट हो जाएगी उस जगह को फिल करने के लिए उसे 6 माह के लिए टेम्परेरी बेसिस पर कोई और बंदा उस जगह पर हायर करना पड़ेगा. जब कोई और बंदा उस जगह पर हायर करता है इन सच अ मेंबर, तो उसी 6 माह के अंदर वो कोई परमानेंट पर्सोनल तलाश करते हैं, ठीक है, और वो परमानेंट पर्सोनल जो होता है वो उस जगह पर नॉमिनेट हो जाता है, वो उस जगह पर अपनी वेकेंट जगह जो होती है वो फिल कर लेता है.
कहता है कि वैकेंसीज नॉट टू बी इनवैलिड द प्रोसीडिंग जो होती है फूड से अगर हमने ड्रग को इनटेक किया है ठीक है वो हमारे श्रमिक में जाएगी श्रमिक से स्मॉल इंटेस्टाइनल रीजन से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक इन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मे बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक बाय आइदर पैसिव Passive diffusion from the concentration of the from high concentration of the drug toward the low concentration, जिसमें energy require नहीं होती passive diffusion या फिर active transport. अब drug कैसे transport होती है GIT track से blood के अंदर या तो passive है या फिर active है. So passive diffusion क्या होता है? It refers to the passage of the drug by diffusion and unionized moiety through the lipid membrane. ठीक है सो पैसिव डिफ्यूजन क्या होती है एक डिफ्यूजन होती है अनआयनाइज ड्रग की लिपिड मेम्ब्रेन से इसे हम क्या कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन द ड्रग मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन सो पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है हमेशा मैंने ये बात पहले भी आप लोगों से डिस्कस की हुई है बेटा जब भी ड्रग जो होती है इंटेस्टाइनल रीजन में जाती है तो वो अनआयनाइज फॉर्म में रहती है आयनाइज नहीं होती ठीक है जो पोलर नहीं होती जो ना जो ब्लड में डिजॉल्व होकर रिलीज आउट नहीं हो सकती जो ड्रग आयनाइज हो जाती है वो ड्रग पोलर हो जाती है जो चार्ज जिसके ऊपर आ जाता है जिसके ड्रग के ऊपर चार्ज आ जाता है वो एब्जॉर्ब नहीं होती मेम्ब्रेन की जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती सो कहता है द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ड्रग गेन असिस्ट टू द बॉडी बाय दिस मैकेनिज्म तो बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो पैसिव डिफ्यूजन से ही एब्जॉर्ब होती हैं ठीक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है अच्छा पहले क्या होता है जब ड्रग एब्जॉर्ब होना शुरू होती है ना तो 90% जो होती है उसकी वो पैसिव डिफ्यूजन से जाती है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन ठीक है इसके बाद क्या होता है बाकी की जो रिमेनिंग ड्रग होती है वो एक्टिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है ये एक एनर्जी होती है जिसके अंदर क्या होता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी एटीपी की जब ब्रेकडाउन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है और वहां से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी एक एनर्जी पैकेट रिलीज होता है वो एनर्जी पैकेट जो होता है वो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सो इट इज अ कैपेबल ऑफ मूविंग द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अब क्या हुआ शुरू में ड्रग ब्लड से सारी जीआईटी ट्रैक से सारी प्लाज्मा में गई लेकिन प्लाज्मा में भी ड्रग का लेवल बढ़ता गया एक लेवल आ गया हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा वो जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग थी इन द प्लाज्मा उसके बाद ड्रग ने बाकी की जो ड्रग जाएगी वो थ्रू द एक्टिव डिफ्यूजन होगी थ्रू द यूज ऑफ द एनर्जी होगी फ्रॉम द रीजन ऑफ बाकी जो ड्रग रह गई है जीआईटी ट्रैक में वो थोड़ी कंसंट्रेशन में रह गई है सो बाकी की जो ड्रग जाएगी वो जाएगी थ्रू द एक्टिव डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई ड्रग कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो ड्रग कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ठीक है अब समझ आ गई सो सबसे पहले जो ड्रग एब्जॉर्ब होगी वो थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन होगी अनऑर्गेनाइज ड्रग होगी जिसमें वो लिपिड मेम्ब्रेन से गुजरेगी फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन उसके बाद वो एक्टिव डिफ्यूजन में आ जाएगी ठीक है जिसमें वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द ड्रग होगी जो 10% रह गई है वो जाएगी फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन उसके बाद जो ड्रग होगी वो होगी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये ड्रग जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल होते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है इंगल्फ करना ड्रग को एंडो अंदर लेकर जाना थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय पिंचिंग ऑफ द ड्रग फिल्ड वेसिकल्स ड्रग फिल्ड वेसिकल्स अंदर सेल के चले जाते हैं इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सो का क्या मतलब होता है ये रिवर्स होता है एंडो के बाहर निकालना ड्रग का अगर अगर सेल के अंदर ड्रग जा रही है तो उसे हम एंडो कहेंगे और अगर सेल से बाहर ड्रग आ रही है तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग एब्जॉर्प्शन सो एब्जॉर्प्शन किन वे से होती है एब्जॉर्प्शन तीन तरीकों से होती है वन इज अ पैसिव डिफ्यूजन अदर इज द एक्टिव डिफ्यूजन और थर्ड वन इज अ एंडोसाइटोसिस फिर एक्सोसाइटोसिस सबसे पहला मैकेनिज्म जिसमें 90% ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब होती है
That is the passive diffusion. इसमें क्या होता है, ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में है, नॉन पोलर फॉर्म में है, लिपिड में इजीली सॉल्युबल हो सकती है. सो वो रीच होती है, मूव करती है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द लो कंसेंट्रेशन. जब वो वहां तक पहुंच जाती है तो दिस इज कॉल्ड पैसिव डिफ्यूजन. फिर क्या होता है, जो बाकी ड्रग थोड़ी बहुत बच जाती है, अब कंसेंट्रेशन जी आई टी ट्रैक में कम है और प्लाज्मा में ज्यादा हो गई है. अब डी आई टी ट्रैक से रिमेनिंग जो थोड़ी सी अमाउंट है ड्रग की, वो निकालकर उसने प्लाज्मा में लेकर जानी है, तो वो होगी थ्रू द एक्टिव डिफ्यूजन. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ड्रग जो होती है वो अपोजिट जा रही होती है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के. कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ द लो कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड लास्ट वन इज द एंडोसाइटोसिस. यहां पे एक्सो, एंडो मतलब इंगल्फिंग ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी, दैट इज द एंडोसाइटोसिस. ठीक है, और एक्सो बिल्कुल उसके अपोजिट है, जब हम पुल ऑफ कर देते हैं ड्रग फिल्ड वेसिकल्स को आउटसाइड द बॉडी, तो ये रिवर्स होता है एंडो के. सो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं बाय द वेसिकल फॉर्मेशन प्रोसेस. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग जो है वो ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है.